वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कहीं जा रहे घूमने, तो वो सरप्राइज है। आप सब ब्लॉग में बने रहे और देखते रहे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। ओह माय गॉड, तो आप रास्ता का व्यू देखिए कितना सुंदर है। अभी हम लोग जहाँ जाने वाले थे वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, आप सब देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो गाइज हम लोग जो जगह आने वाले थे वो यही है, देवी द्वार, और यही आपके लिए सरप्राइज था। तो ये देवी द्वार कटक में है और यहाँ का सीन बहुत अच्छा है। और इसके साइड में देख सकते हैं ये मंदिर है शिव भगवान का, बहुत ही खूबसूरत है। और हम लोग जीजा दीदी सब यहाँ पे आए हैं। जीजा हाय बोलिए। आइए आपको दिखाते हैं हम कहाँ आए हैं। तो अगर आप सब कटक में रहते हैं तो ये जगह जरूर विजिट करें, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, एक दो बोट भी रहता है, लेकिन हम लोग नहीं किए क्योंकि तभी बहुत ही धूप था। आप आयन को देख सकते हैं, बदमाशी कैसे कर रहा है, सिर्फ उसके पापा के पास जा रहा है। और यहाँ पे झूला भी था जिसमें मेरी दीदी झूल रही है। साथ झूलते हुए अगर आप सबको आयान का पोस्ट देखना है तो उसके आईडी में जा सकते हैं, इंस्टा में आयान किशन है, और मेरा आईडी आई एम अमृता। तो आप सब देखिए अभी आयान पानी की ओर जा रहा है, और क्या करने जा रहा है आप सब तो जानते ही होंगे, जैसे कि हर बच्चे को पानी पसंद होता है तो वो पानी में खेलेगा। अभी आप सब देख ही रहे हैं जैसे कि आयान और उसकी मम्मा पानी से खेलते हुए। जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही पसंद है पानी से खेलना, बड़ों को भी बहुत पसंद होता है पानी से खेलना। तो अभी आयान की मासी भी पानी से खेल रही है और आयान उसे देखकर एंजॉय कर रहा है। तो अभी हम लोग देवी द्वार से निकल चुके हैं और अभी हम लोग को जीजा दूसरे प्लेस पर लेकर जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं ये कौन सा प्लेस है। और ये महानदी है कटक का, जो कि ब्रिज से एक हाथी गिर गई थी और उसको बचाते बचाते दो लोगों की मौत भी हो गई थी। आप सब जो जगह है हम लोग जीजा लेकर आए हैं वो है, देख सकते हैं ये धोपलेश्वर मंदिर है। और इसके साइड में देखिए इधर नदी है, नदी है नीचे साइड और ऊपर साइड ये मंदिर है। तो
पर अभी तो 12:00 कुछ हो गया है, तो चलो देखते हैं मंदिर खुला है कि नहीं। सीढ़ी और ऊपर में मंदिर है, तो हम सबको अभी ऊपर वाले मंदिर जाना है। तो फाइनली अभी हम लोग मंदिर आ गए हैं, तो चलो देखते हैं मंदिर खुला है या नहीं। तो मंदिर खुला है, थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना अभी तो भगवान को भोग चढ़ता है तो उसके लिए बंद हो जाना चाहिए था, बट हम लोग आज भगवान का दर्शन करके ही जाना था इसलिए आज खुला है। चलो भगवान का दर्शन करते हैं। और ये मंदिर का साइड का बैकग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको इस मंदिर के चारों ओर दिखाती हूँ कैसा कैसा सीन है यहाँ पे। वैसे तो मुझे काफी अच्छा लगा, आप सबको कैसा लगा आप सब कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, और आज हम लोग सुबह से घूम रहे हैं तो काफ़ी थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो चलो पेट पूजा करने चलें। घूमते हम लोग को बहुत जोर को भूख लग गया, तो हम लोग अभी आ गए हैं फिल्मी फूड रेस्टोरेंट कटक का, और चलो अभी यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं और हम लोग लंच करने के बाद आपको बताएंगे कि फूड का टेस्ट कैसा था। अरे वाह, बाहर से तो पूरा फिल्मी लग रहा है, चलो अब अंदर देखते हैं अंदर कैसा है। तो बहुत अच्छा है और ये फिल्मी लुक है पूरा, और यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, और हमको तो पूरा फिल्मी फील हो रहा था, जैसे लग रहा था मैं थिएटर में आ गई हूँ। और क्या बोलो, इतना अच्छा लगा कि आप अगर आएंगे तो इस जगह जरूर आइएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और यहाँ का बैकग्राउंड जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि हाँ कितना खूबसूरत है, और हम यहाँ आके तो हमको लगा कि और इसके बाद घर ही ना जाओ। तो अभी हम लोग मेन्यू में देख रहे हैं हम लोग का क्या खाना है, वो ऑर्डर करते हैं अभी। बस अभी हम लोग को खाने का देरी है, तो अभी बहुत जोर का भूख लगा है, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तो अभी चलो खाते हैं।
और यहाँ का खाना काफी टेस्टी था, हमको तो बहुत अच्छा लगा और काफी टेस्टी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब लंच कर लिए, और हम लोग के खाने के बाद तो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग लंच कर लिए हैं और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ काफी ट्रैफिक है, और ये इंसान को देखो स्मोक करने में लगा हुआ और साइड भी नहीं हो रहा, वाह क्या बोल सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, और मुझे तो कटक काफ़ी अच्छा लगा। और ये हम लोग का NDRF क्वार्टर आ गया है। तो आज का ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और तो अगर आपको अच्छा लगा वो मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अभी घर जाते ही मैं डायरेक्ट फ्लैट हो जाऊंगी, मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं सो जाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, अगर आप सबको ऐसे ब्लॉग और देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो ठीक है गाइज, बाय बाय।